नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी मेंटर पर स्वागत है। हम ज्योग्राफी क्लास सिक्स में चैप्टर एट पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने जो बेसिक फंडामेंटल्स थे जलवायु के, मौसम के, उसके प्रभावित करने वाले कारकों के, इन सब का हमने मौसम का, ऋतु का, सभी भारत की ऋतुएं, इन सब चीज़ों को हमने पिछली कक्षा में काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ा था। आज हम उसके आगे के क्लास को करने वाले हैं जो कि चैप्टर एट का पार्ट टू होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे शुरू करेंगे। जहाँ तक हमने किया था पिछली कक्षा में, उसके आगे से हम प्राकृतिक वनस्पति करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति शब्द आते ही पहली बात हमारे ध्यान में आती है कि ऐसी वनस्पति या ऐसे पर्यावरण जो कि प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया, जैसे कि घास है, झाड़ियाँ है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी मिलकर जो है प्राकृतिक वनस्पति का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के लिए अलग अलग ऊंचाई पे जो है अलग अलग तरह के स्वरूप पाए जाते हैं। जैसे कि हाइट अगर ज़्यादा है तो किस प्रकार की वनस्पति होगी, 60 मीटर है तो कैसा होगा, 40 मीटर है तो कैसा होगा, 20 मीटर है तो कैसा होगा, 5 मीटर होगा तो कैसा होगा, इन सब चीज़ों को यहाँ पे एक हाइट के अनुसार दिया गया, समझाया गया। ठीक है, चलिए इसे आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं खास। अब हम चैप्टर को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन को देखते हैं। हरे घास वाले मैदानों में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, इनमें से कुछ में बहुत सी शाखाएँ एवं पत्तियाँ होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ और पौधे तथा बिना मनुष्य की सहायता के पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसमें वर्षा की मात्रा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण मौसम में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। भारत की वनस्पतियाँ 5 प्रकारों में वर्गीकृत की गई हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझर, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति मैंग्रोव। अब एक चीज़ इसमें समझिए कि भारत में हर जगह अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। अब वनस्पति क्यों पाई जाएगी? जो वर्षा की मात्रा होगी उसके आधार पे ये सब चीज़ें निर्धारित होती हैं। जब हम पिछली कक्षा को पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि कहीं पे भारत में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, कहीं पे राजस्थान का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि उसके कुछ क्षेत्र बिल्कुल मरुस्थलीय हैं। मेघालय का मैंने मासी नाम का एग्जाम्पल दिया था कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो इन सभी क्षेत्रों में जो वर्षा की क्वांटिटी होगी, जो मात्रा होगी, उसी के आधार पे पेड़ पौधे की संरचनाएँ भी बनेगी। किसी पेड़ को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, किसी पेड़ को बहुत कम पानी की ज़रूरत है। तो ये इन सभी चीज़ें इन्हीं पे आधारित होती है कि वर्षा की जो मात्रा है वो किस क्षेत्र में कितनी ज़्यादा हो रही है। जैसे इसमें पहला था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो इसके लिए सदाबहार वन के लिए क्या ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी कहाँ मिलता है? या तो वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, कुछ ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मिलेगा। तो उसी चीज़ को समझना है। फिर क्या है दूसरा है कि पतझर वन क्या होगा? इसके बाद का जो स्टेट्स हैं, जो कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या फिर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा जो है इसकी तुलना में कम होगा, तो यहाँ पे पतझर वन हो जाएंगे। तीसरी होती है कटीली झाड़ियाँ कहाँ हो गई? इधर राजस्थान में, यहाँ पे जहाँ पे वर्षा बिल्कुल कम होती है, 15 सेंटीमीटर तक होती है, 15 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, और इधर कितने हैं तो 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, यहाँ पे 125 के आसपास होती है, बिहार यूपी में 100 से 150 के बीच में। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, इनका कोरिलेशन जानना पड़ेगा। वर्षा की मात्रा ही
वनस्पति के गुणों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वही चीज़ इस चैप्टर में दी गई है। ठीक है, तो तीसरा हो गया पर्वतीय, तो ये हिमाचल के क्षेत्र जो है या फिर जो जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, वहाँ पे होगी। मैंग्रोव वन का मतलब है कि जो जहाँ पे समुद्र से स्थल का भाग लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि नमक और नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी सभी का मिक्सचर वाले एक खास तरह का वन डेवलप होता है जिसे मैंग्रोव वन कहते हैं, जहाँ पे सागर में नदियाँ मिल रही होती हैं वहाँ पे। जैसे कि पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है वो उस वाला क्षेत्र, तो वहाँ पे मैंग्रोव वन डेवलप होगा। इनकी जड़ें क्या होती है, बहुत गहरी होती है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में 2011 में पूछा था इन्होंने कि मैंग्रोव वनस्पति का क्या विशेषताएँ हैं, तो ये चीज़ें जो है वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति में पाई जाएंगी कि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है। जब सागर की लहरें जो है तट से टकराती है तो उस समय जो है वो मिट्टी को जो है बचाती है, या फिर जो सागरीय प्रभाव है उससे जो है तटवर्ती क्षेत्रों को बचाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के रूप में आती रहेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, ये सब हमने समझ लिया है। सूर्य की प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, सूर्य के अनेक प्रकार वृक्षों के अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके क्षेत्र देखिए जो मैंने आपको बताया था, अंडमान निकोबार, हाँ देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो मैंने मेघालय एग्जाम्पल आपको दिया था, पश्चिमी घाट की संकड़ी पट्टी, यहाँ पर प्रमुख वृक्ष होगा महोगनी, एबोनी और रोजवुड। ये याद रखिएगा, अक्सर वो पूछ लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से प्रकार की वृक्ष पाई जाती हैं। ये हो गया पतझर वन में क्या होता है कि निश्चित एक निश्चित समय पे अपनी पत्तियाँ पत्तियों को ये गिरा देते हैं, तो ये पत्तियाँ नीचे आ जाती हैं, तो वही चीज़ पूछा गया। इसमें साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम के पेड़ प्रमुखता पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ भाग इसमें पाए जाते हैं, ये सब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। कटीली इसमें कुछ है नहीं, कैक्टस, खैर, बबूल, कीकड़, ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और तथा गुजरात में। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ कि यहाँ भी पश्चिमी घाट आ गया, तो जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे जब सागर से लहरें आके हवाएं आके टकराती है तो यहाँ पे कोस्टल एरिया में वर्षा होगी, अंदरूनी हिस्सों में नहीं होगी, तो ये इसका क्या हो गया, पूर्वी भाग हो गया। तो वही चीज़ है, यहाँ पे नहीं होगी वर्षा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो ढाल है वो बहुत ऊंचा है, तो ऊंचा होने के कारण उनके पीछे वाला जोन क्या होगा, शैडो जोन हो जाएगा, वहाँ पे वर्षा ठीक से नहीं पहुँच पाएगी, उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया। पर्वतीय वनस्पति ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है, समुद्र तल पर 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता जाता है, ये पौधे शंक्वाकार वृक्ष कहलाते हैं। इन वृक्षों के महत्वपूर्ण हैं चीड़, पाइन और देवदार। ठीक है, अब इसमें समझिए एक चीज़, मैं आप अपने अनुभव से आपके अपने कॉन्सेप्ट से आपको समझाता हूँ कि ये जो सेब पर्वतीय पेड़ों पे बनती है ऐसा क्यों बनता है। आपने कभी सोचा है कि जो इस तरह का पेड़ ही यहाँ पे क्यों सर्वाइव कर पाता है, या जो इनकी आकृति होती है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पेड़ है, जैसे पीपल का कोई पेड़ है, तो वो अगर ऐसा है अपनी टहनियों को बहुत ज़्यादा फैलाए हुए हैं, ठीक, तो जब बर्फबारी होगी, जब बर्फ के गोले गिरेंगे तो इन सब पे जमा हो जाएंगे, जमा होने के बाद क्या होगा, ये टूट जाएगा। और इस पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर बर्फ गिरता है तो वो फिसल कर कहाँ आएगा, नीचे, इसलिए ऐसी आकृति बन जाती है शंक्वाकार। इस चीज़ को समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि यहाँ पे जब बर्फ गिरेगा तो बचपन से ही ये पेड़ उसी आकार में ढल जाते हैं कि ऊपर का हिस्सा नुकीला होगा, नुकीला होने से क्या होगा, जब बर्फ की बूंदें यहाँ पे गिरेगी तो फिसल कर नीचे आएंगे, उसी इसी कारण से ऐसी आकृति होती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मैंग्रोव वन, वही सब चीज़ें, अंडमान निकोबार, सुंदरवन, ये मैंने आपको अभी बताया था, पश्चिम बंगाल। अब आते हैं हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। बहुत सीधी सीधी चीज़ें हैं कि हमें जड़ी बूटियों के लिए, ईंधन के लिए, पेड़ पौधों की औषधि के लिए, पेड़ पौधों की
ज़रूरत होती है, बहुत कॉमन बातें हैं। अगर हम इसको डेप्थली देखें कि क्यों ज़रूरत है, तो एक तो वन्य जीव जंतु तो है ही, दूसरी चीज़ इससे बहुत सी चीज़ें निर्धारित होती हैं। अब बहुत सी चीज़ें कैसे निर्धारित होती है ये समझिए। एक तो ऑक्सीजन, जो O2 हमें मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, वायुमंडल को साफ रखने के लिए ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करता है, मृदा को संतुलित करता है, ज़मीन को पकड़ के रखता है। तो इससे क्या होगा, अपरदन नहीं होगा, अपरदन नहीं होगा तो क्या होगा, मृदा का संरक्षण करेगा, मृदा संरक्षण से क्या होगा, अपरदन नहीं होगा, अपरदन नहीं होगा तो क्या होगा, भूमि की भूमि उत्पादक रहेगी, भूमि उत्पादक रहेगी तो क्या होगा, हम खेती कर सकेंगे, खेती कर सकेंगे तो क्या होगा, हम अपने लिए भोजन प्राप्त करेंगे, भोजन प्राप्त करके क्या होगा, हमारा सर्वाइवल ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सारे स्टेप जो हैं पृथ्वी के वनों के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और पेड़ पौधे से क्या होता है कि वनस्पति जो हैं जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, और बाकी बहुत सारी जो यहाँ पे बातें दी गई हैं ये सारी चीज़ें हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़रूरी हैं, यह हमारे लिए आवश्यक है। यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को डायग्राम के माध्यम से समझाया कि दवा आश्रय, तो हाँ आश्रय भी हमें मिलता है इसकी, लकड़ियों का हम प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारे खाने के पदार्थ, फल फूल या शहद, ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति के द्वारा ही मिलती है। रबड़ का निर्माण भी इसी से होता है, आपका रबड़ नहीं होगा तो आपके पास व्हीकल नहीं होगा, इस खेल का सामान है आपका फर्नीचर रहने के लिए घर में आपकी, ये सारी चीज़ें पेड़ से जुड़ी हुई है, ठीक है। वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान है, वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिनमें कि सरीसृप से लेकर पक्षी से लेकर उभयचर, स्तनधारी, कीट, कृमि, सब कुछ निवास करते हैं, ठीक है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है, गुजरात का गिरवन एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये UPPCS के बहुत से एग्जाम में 2014 में पूछा है, 12 में भी पूछा है कि गिरवन जो है किस लिए फेमस है, या ये पूछ सकता है कि गिरवन भारत के किस हिस्से में है, ठीक है। हाथी तथा एक सिंह वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं, हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं, ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गद्दा कच्छ केरल में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे एक सिंह वाला गैंडा, हाथी केरल एवं कर्नाटक के में भी मिलते हैं, वहाँ पे जो है वहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं, ऊँट रेगिस्तानी क्षेत्र में, ये नहीं पूछेगा, जंगली गद्दा जरूर पूछेगा, ये बहुत बार SSC के एग्ज़ाम में और UPPCS के एग्ज़ाम में आ चुका है। जंगली बकरी ये हिमाचली क्षेत्रों में होता है, हिम तेंदुआ भी वहीं पहाड़ी हिमाचली जंगलों में, भालू इत्यादि पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर, बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी बहुत प्रचुरता है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और पक्षियों का यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे आते हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार करने से भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव की प्रजातियां घट रही है, बहुत सी प्रजातियां समाप्त होने लगी है, ठीक है, और सरकार ने इसके लिए बहुत सारे कोशिश की है। चलिए इसमें जो है संरक्षण के कुछ अधिनियम जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपके लिए जानना जो है ज़रूरी है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर आप दे रहे हैं तो इस पेज में दो तीन चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। एक कि 1972 में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था देश में, वन संरक्षण अधिनियम 1972 में, 73 में क्या हुआ, बाघ लाया गया, बाघ संरक्षण अधिनियम, 1992 में हाथी संरक्षण अधिनियम, ये तीन अधिनियम याद रखिएगा, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये UPPSC 2014 में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो इसे याद रखिएगा, अपने नोटबुक पे ही यहाँ पे साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें याद रखने वाला है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में
मनाते हैं, मतलब अभी अगस्त का लास्ट है तो सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक जो है वन्य जीव जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और जो अधिनियम बताया मैंने, वन संरक्षण के लिए 1972, बाघ के लिए 73, शेर सॉरी हाथी के लिए, हाथी के लिए 1992, यहाँ पे हाथी लिख लीजिएगा, हाथी संरक्षण अधिनियम 1992, और 1996 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ये कुछ रिपोर्ट्स वगैरह दी गई हैं। अब आते हैं कि प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी जैसे पेलिकिन, साइबेरियन क्रेन, स्टोक, फ्लेमिंग तथा पिनटेल बत्तख, कर्लियो इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च तक आरंभ तक रहते हैं। ये जनरली राजस्थान का जो भरतपुर अभयारण्य है या अन्य जो राजस्थान के हैं या फिर जो चिल्का झील का क्षेत्र है वहाँ पे वो जाके निवास करते हैं, जो कि क्योंकि इन्हें ठंडी के दिनों में जो साइबेरिया की जलवायु है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है ये भारत के क्षेत्रों में आके निवास करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर जब वहाँ का मौसम नॉर्मल हो जाएगा तो ये वापस चले जाते हैं। ये सब क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ये सब हम चैप्टर के साथ लगभग समझ चुके हैं। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, बिल्कुल आसान है, मानसून। भारत की विभिन्न मौसमों का नाम लिखे, ये भी हो गया। प्राकृतिक वनस्पति भी मैंने डिफाइन किया था, विभिन्न प्रकार की वनस्पति, बिल्कुल। सदाबहार वन और पतझर वन में बताया था कि एक मौसम में पतझर में पेड़ गिरे वो पत्ते गिरेंगे, उसमें ऐसा नहीं होगा। वर्षा वनों में सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमेशा जो है हरियाली रहती है, हमेशा पेड़ पौधे का जो घनत्व है वो बढ़ता रहता है। सबसे अधिक वर्षा मासी में, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये खारे जल के साथ पाए जाते हैं। महोगनी एवं रोजवुड पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। जंगली बकरी और हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाएगा, तो हिमालय क्षेत्र में, ये भी मैंने बताया था। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवने कहाँ बहती है, ये भी हो गया है। लगभग सारे क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, तो चैप्टर को पढ़ने का फ़ायदा कुछ हुआ, ठीक है। ये इस तरह से ये चैप्टर और ये सिक्स क्लास की जो किताब है वो ख़त्म हो गई। हमें जो है, मैं आशा करता हूँ कि इस पूरे क्लास की किताबें मैं अच्छे से आपको पढ़ा पाया होऊंगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने पूरी कक्षा की है और आगे भी जो है मेरे से जुड़े रहेंगे। और जो आज नए मित्र आए हैं चैनल पे, उनसे मैं कहूँगा कि यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसे क्लिक कर दें ताकि जो है आपको रिसेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं, इससे कुछ बातें और दी गई हैं आगे, जैसे कि इस किताब को जब आप देखेंगे तो इसके लास्ट में जो है परिशिष्ट दी हुई हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा इसमें, ये पीडीएफ फोल्डर है इसलिए, तो वहाँ पे जो है राज्यों की राजधानी दी गई है, उस सब को आप याद कर लें। मैंने आपको पिछली कक्षा में बोला था कि राज्यों की राजधानी के साथ साथ देशों की राजधानी भी कुछ कुछ अभी आप याद करें, ताकि अगर कोई एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है फ़ायदा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में नए चैप्टर के साथ, नए क्लास के साथ, ठीक है। चलिए, नमस्कार।